बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ है आप अपने घरों में खुश हों, शादो आबाद हों। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो तबीयत मेरी बस चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक हूँ। कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो जी आज मैं अपने आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ एग मफ़िन की, बहुत ही मज़ेदार हैं। और साथ में मैंने बनाए थे मीठे टोस्ट, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो जिस तरह मैं बनाती हूँ अपने घर में, मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी। तो चलिए चलते हैं एग मफ़िन की तरफ, वो मैं किस तरह बनाती हूँ। तो जी मैंने जिसके लिए 4 अंडे लिए, उस पे मैंने 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर डाला, 4 से 5 चुटकी मैंने नमक डाला, आप अपनी रिक्वायर के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली बस ये, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। उसके बाद मैंने अपनी जो बेकिंग ट्रे ली थी उसके अंदर मैंने घी का स्प्रिंकल किया था, घी को सारा मैंने ब्रश की मदद से फैला लिया था। उसके बाद फिर मैंने वो जो बैटर बनाया था वो मैंने उसके अंदर डाला। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी चिकन थी मेरे पास सालन का पड़ा हुआ था, वो मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी उसकी मैंने चिकन के पीस लिए थे, वो मैंने छोटे छोटे क्रश कर लिए थे। और साथ मैंने टमाटर काट लिए थे बारीक बारीक, और एक प्याज जो था ना वो छोटा छोटा चॉप कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। और सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी थी लेकिन मैंने बहुत कम इसके अंदर डाली थी। और अगर वो बच्चों ने खाना है तो आप ना डालें, अगर बड़ों ने खाना है तो आपकी मर्ज़ी आप डाल लें। और वो मैंने इस तरीके से सबसे पहले मैंने चिकन इसके अंदर डाला था, और आपने इसको बैटर को ज़्यादा भरना नहीं है बेकिंग ट्रे के अंदर, क्योंकि ये बाहर फूल के आ जाएगा। और अक्सर मेरे साथ यही होता है, ये भर जाता है तो बाहर इतना ज़्यादा फूल जाता है तो टेंशन होती है फिर। तो ये चिकन के बाद मैंने जो प्याज काटा हुआ था चॉप किया हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, जो दिल करता है आप इसके अंदर डालें। ये ज़रूरी नहीं है आप इतनी ज़्यादा जो भी क्वांटिटी हो वो ज़बरदस्ती आप डालें, जो आपका दिल करता है। और एंड में जो मोस्ट फेवरेट टमाटर होते हैं वो बहुत अच्छे लुक देते हैं, वो मैंने डाले थे। और 3 में मैंने थोड़े ज़्यादा डाले थे, और बाकी जो 3 थे ना उसमें थोड़े से कम डाले थे क्योंकि बच्चियां खाती नहीं है टमाटर। और एंड में मैंने जो थी सब्ज़ मिर्चें वो 1-1-2 जो मैंने पीसेस काट के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद उसको मैंने बेक होने के लिए रख लिया था। और ये मैं बना रही हूँ मीठे टोस्ट, और इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए और उसमें 3 खाने के चम्मच चीनी के डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। उसके बाद मेरे पास था नीडो का दूध, और वो मैंने उसको बना के रखा हुआ था, वो मैंने 1/2 कप इसके अंदर डाला था। बस सिंपल, यही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अंदर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है तो, लेकिन मैं इतने शौक से नहीं खाती, मैं अपने लिए बना रही थी इसलिए मैंने बहुत लाइट सा बनाया था। और दूध आप फ्रेश भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ताकत वाला होगा, लेकिन मैं नीडो यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला और उसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया, और ये वाली लुक आई थी। इसके बाद मैंने अपने जो ब्रेड के थे ना वो मैंने बना लिए, और ये अब मैं 1-1 पीस जो है ना उसको भिगो के उस बैटर के अंदर, और 1 चम्मच मैंने घी देसी घी का लिया वो मैंने डाला था, और नीचे मैं डाल के उसके ऊपर भी 2-3 कतरे इस तरह देसी घी के डाल रही हूँ। देसी घी नहीं है तो आप ऑयल या सिंपल घी भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं कभी कभार ये ले लेती हूँ, बहुत मज़े का लगता है ये। और कभी कभी इस तरह की तब्दीली जो होती है ना वो अच्छी लगती है, कभी इस तरह बना लें, 1-1 मफ़िन खा लें और साथ ये मीठे पीस खाएं, आप बहुत टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें, यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं।
तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे आप ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ये आप लोगों का प्यार होता है मेरे लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। तो जी ये देखें फाइनल लुक है मेरी मीठे टोस्ट की। तो उसके बाद चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मफिन कैसे बने थे। बहुत टेस्टी वो भी बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और कभी कभी इस तरह की जो तब्दीली करती हूँ मैं नाश्ते में, सब बहुत शौक से खा लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। और अब जो मेरा बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो का आपको, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप मुझे सबसे पहले कमेंट करें। अच्छा जी आप मेरी ये देखें कैसे रेडी हो गए हैं, वो फूल के बहुत मज़े के बने थे और ये मैंने बाहर निकाले जब ठंडे हुए, थोड़े से बैठ गए थे लेकिन बहुत मज़े के बने थे और इजीली ये निकल भी आते हैं क्योंकि नीचे घी लगाया हुआ था, ऑयल लगाएं घी लगाएं और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। अच्छा जी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।